जैसे वादा छे मोर। इसलिए हम लोग अभी बस मछली कहाँ पे मिलता है वो देखने जा रहे। छोटा सा टापू अंडमान निकोबार का एक छोटा सा, उसमें पहुंच गया, एक छोटा सा आइलैंड में गया। वो जाता ना तो वो वहां तक लोग जाते थे, वो जो दिख रहा है जहाँ पे ये हरा हरा जो दिख रहा है यहाँ तक मतलब चला जाता था पानी। अब बताओ अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पालकी डैम। हाँ पालकी डैम जा रहे हैं, जहाँ से हमारा पानी का सप्लाई आता है। हाँ तो कितना पानी है देखने जा रहे हैं हम लोग पालकी डैम में। तो थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और जो जो सीन है रास्ते का वो भी बहुत मस्त है। तो और शुभम ये देख मैं कौन सा वॉच पहनी हूँ, शुभम का वॉच, उसको वो तो पहनता नहीं है तो मैं पहन ली, मैं कब्जा कर ली मैं कब्जा कर ली। अभी देख शुभम कितना बड़ा हो गया ये वाला अपना मैंगो जिंजर है ना। डैडी भी कार निकाल रहे हैं। Bye. Bye bye. ये देखो यहाँ पे ये है ना अपना एयरपोर्ट। एयरपोर्ट है ये। हाँ यहाँ पे एयरपोर्ट और यहाँ से सीधा जा रहे हैं हम लोग डैम हमारा जहाँ पे वहाँ से पानी आता है ना। अपना पानी आता है। अच्छा हाँ नार का खेत पर फूल नहीं दिख रहा है यहाँ पे। हाँ कंपाउंड के अंदर कंपाउंड मतलब हाँ लाल फूल लगा हुआ है, पूरा अनार का खेत है ये। ये देखिए एक लाल लाल फूल दिख रहा है ना, ये अनार का खेत है उससे। यहाँ से सीनरी भी एकदम ब्यूटीफुल है, हमारा नासिक भी एकदम ब्यूटीफुल है। ये देखिए थोड़ा 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 ड्रिजलिंग हो रहा है। और आज अपने को पार्टी में भी जाना है, नहीं तो मैं क्या सोची थी पता है, पंचवटी जाएंगे और पानी पूरी खाएंगे वहां से जैसे सोची थी। पर अभी फिर वो इनविटेशन आया कि जाना है आज शाम को, घर प्रवेश का ये है पार्टी है तो वहां जाएंगे है ना। अच्छा सीनरी है यहाँ पे। अमन का तो अक्सर का था ना जाना, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना पेड़ यहाँ से एकदम टच है एक दूसरे से। देखो यहाँ सब फार्मिंग का है ना, ये सब फार्मिंग वाला एरिया ही दिखाई देगा यहाँ एकदम सुपर, मतलब सीन देखने लायक है यहाँ सारा फार्मिंग रहेगा। और मौसम भी तो ऐसा है ना कि बहुत अच्छा लगता है देखने। ये देखो एक पेड़ सारे एक दूसरे से टच है, कितना अच्छा लगता है ये सब। जैसे वो कैलिप्टस का पेड़ भी वैसे होता है ना, ऊंचा ऊंचा जाता है फिर एकदम से जब ये तो बहुत घना है। देखो यहाँ पे फार्मिंग हो रहा है, पता नहीं क्या है, यहाँ से पानी क्यों निकाल रहा है बंदा, यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। ये टमाटर का है, टमाटर का पेड़। ये यहाँ सब फार्मिंग ही फार्मिंग है, यहाँ भी कुछ लगा है पता नहीं, ये तो सेवंती है फूल का है। कितना बड़ा पाइप लगा हुआ है ना यहाँ पे पानी का है ना, यही से पानी का सप्लाई आता है डैम से। डैम से पानी का सप्लाई यही से होता है ना, यही से होता है। पाइप लगा हुआ है ये तो टमाटर लगा है, टमाटर की खेती खेती ही खेती। और मौसम तो औसम, मौसम कैसा औसम औसम। पूरा गांव का सीन एकदम सुपर गांव का सीन, फूल का बाग है ये। अक्टूबर नवंबर होते ही इसमें लग जाएंगे छोटे 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 अंगूर, थोड़े बड़े भी हो जाएंगे है ना। नवंबर दिसंबर तक तो हो ही जाता है, फरवरी तक ना। देखो कैसा दिख रहा है एकदम सुपर। इसमें सब लोग पानी जाता है पीने के, घर में सब आता है ये वाला पाइप से ना। ये देखो कैसा है सीनरी एकदम सुपर। भेड़ी चाल मत चलो बोलते ना, ये प्यारा सा भेड़ है कि बकरी, भेड़ है। हाँ भेड़ है। इसमें भी देखो फूल लगा हुआ है यहाँ पे इनके घर में पूरा व्हाइट हिबिस्कस का। डैम का ही शोर है। हाँ ये देखो डैम का ही है, ये कुछ तो लिखा है उसके ऊपर, पालखेड़ लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है, कुछ तो लिखा है। हाँ पालखेड़ धरण यहाँ से चढ़े थे, यहाँ से ही ना चढ़े थे पर
नहीं 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 यहाँ नहीं है, कहीं और से, ये तो एकदम गिर जाएंगे यहाँ से, ये देखो ऐसे नहीं जा सकते यहाँ से, कोई आगे जाके, पर यहाँ ये रास्ता है ना, ये देख अपन ऐसे चले थे ना पिछली बार, ऐसे है क्या? हाँ तो फिर यहीं के गाड़ी खड़ा कर दो, कहाँ से जाएंगे? अच्छा यहाँ से जाना है, और ऐसे देखते यहाँ से तो रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे जाना है, पहले भी आए हैं, यहाँ से जाना है ना अभी। हाँ। और ये है पालखेड़ धरन लिखा हुआ है ना, यह है डैम, पालखेड़ धरन डैम, देखो यहाँ पे काटा है, कैसा रास्ता है डैम के लिए, देखो यहाँ पे ये भी है, और आप से देखिए उधर से कैसा लग रहा था ना, रास्ता नहीं पता चल रहा था, अच्छा खासा रास्ता बना हुआ है, और ऐसे भी जाते हैं, जा तो सकते हैं, है ना? चलो लंबा चलते वहां से, डर लग रहा है यहाँ से, जाते पैर फिसल गया तो, पर हरिहर फोर्ट कैसा है ना, एकदम स्ट्रेट खड़ा है, उसमें कैसे चढ़ते होंगे लोग, तो है आराम से जा सकते हैं, रास्ते तो सही है, वहां से देखने में कैसा लग रहा था ना, चलो चलो रास्ता देखो। है ना त्र्यंबकेश्वर, हाँ। उसके बाद अपन यहाँ आए, वहां से हाँ। याद है तब दो साल पहले आए थे, हाँ शुभम भी थोड़ा छोटा था, हाँ एकदम से बड़े हो गए बच्चे सब। चल जल्दी चल, पानी बारिश करने वाला है, नहीं कोई बारिश नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ड्रिजलिंग ही हो रहा है, पर अच्छा लगता है थोड़ा सा ड्रिजलिंग में, अच्छा लगता है। ये देखो यहाँ भी कुछ काम चल रहा है ना, ये देखो आ गए, डैम में पानी है ना, कम है ना, हाँ ये देखिए डैम छोटा है, बड़ा नहीं उतना, अपन गंगापुर डैम भी जाएंगे, पानी नहीं है तो अमन क्या बोलता है, जब पानी कम हो जाता ना तो वो वहां तक लुक जाते थे, वो जो दिख रहा है जहाँ पे ये हरा हरा जो दिख रहा है, यहाँ तक मतलब चला जाता था पानी, तो लोग आगे तक जाते थे जब पानी कम हो जाता है, तो देखिए कितना सुंदर, अच्छा लगता है ना, ये देखो टापू। वहाँ पे एक छोटा सा टापू, चलना है वहाँ पे, चलो बोट ले आओ। बोट ले आओ, और वो वाला बोट कौन रखा हुआ है, क्या बोट क्या रखा हुआ, ये टेढ़ा पड़ा है, ये टेढ़ा पड़ा हुआ है, ऐसे जाएंगे फिर टेढ़ा टेढ़ा, थोड़ा सा पेपर वगैरह कुछ ऐसे बिछाए थे, और उसमें स्नैक्स छुटपुट स्नैक्स लेकर आए थे, और यहाँ पे बैठ के हम लोग मजा आता है ना, एकदम मौसम भी वैसे ही था, मौसम उस टाइम भी, ये है हमारा डैम, यहाँ से आता है हमारा घर में जो पानी आता है यहाँ से आता है, ये वाले डैम से, तो ये देखने आई थी कि डैम में कितना पानी भरा, क्योंकि इस साल अभी तक तो पानी अच्छे से नहीं गिरा, तो वही देखना डैम में पानी है कि नहीं, पास ही है घर से ना भी पास नहीं, कितना मस्त है ना, यहाँ बैठो, फ्लास्क में चाय ले आना था ना थोड़ा सा, यहाँ पे बैठ के चाय पीते, और कुछ वो भी लाना था ना स्नैक्स वगैरह मिक्सचर वगैरह ले आते, इधर मिलेगा ना बगल में कहाँ, अच्छा हाँ वहाँ पे ना छोटी सी दुकान है, चिप्स वगैरह ले सकते हैं, फिर ले आओ ना चिप्स लेकर आओ, ले आते हैं ऐसे बैठ के, अच्छा लगेगा, वहाँ पे बोट पड़ता है, व्हाइट दिख रहा है कुछ, बोट ये तो डैम का है, ये डैम का ही है ना, पहले अपन यहाँ से भी गए थे ना शायद, पहले खुला था, अभी बंद था, ये वाला यही बोल रहे थे ना ब्रिज वगैरह, ये यहाँ से हम लोग वहाँ पूरा गए, देखो पहाड़ का शेप कैसा है ना, एकदम सुंदर, और ये सारे बादल, बादल से घिरा हुआ है पूरा, हमारा नासिक कितना सुंदर है, क्लाइमेट भी एकदम सुपर क्लाइमेट रहता है यहाँ का, मतलब मौसम एकदम एकदम मीडियम रहता है, ना ठंडी ना गर्मी, एकदम बढ़िया, और अभी तो एकदम भी बढ़िया, ये तो एसी है अभी तो, अभी तो एसी है, एसी और क्या है, ऐसे मौसम में ना पहाड़ वगैरह में जाओ बहुत अच्छा लगता है, फिर जाके मैगी खाने बहुत अच्छा लगता है ना, मैगी पकौड़ा दाल वड़ा का भी रेसिपी ली हूँ मैं आपको, वो भी मजा आता है एकदम, वो सब सिंपल झटपट बन जाता है, और यहाँ बैठ के खाओ, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, शुभम को लेकर नहीं आए क्योंकि उसका एग्जाम चल रहा है, आज उसका एक एग्जाम था,
केमिस्ट्री था जिसका, कल संडे फिर मंडे। हाँ तो ये देखिए पूरा डैम का, और यहाँ पे सेंटीमीटर्स अभी कितना है ही नहीं ना, बहुत कम है अभी, अभी बहुत कम है। देखो इतना सेंटीमीटर है, कितना लिखा हुआ है 595, तो ऊपर वाले में, अंदर वाले में सम दिखाई नहीं दे रहा है, मैक्सिमम है, ये समझ में नहीं आ रहा, और पास जाना पड़ेगा। और अभी ये देखो ऐसे सीढ़ी है, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे सीढ़ी है, अभी हम लोग काफ़ी ऐसे खड़े हैं और ऐसे सीढ़ी से ऐसे जाएंगे। ये देखिए पूरा हरा भरा, बारिश हुआ है ना तो ये सारे हरे भरे हो गए। वहाँ एक मंदिर भी है, कुछ बोलते बोलते आ रही है, बतियाते हुए आ रही है, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, हाँ ये वाली गाड़ी बतियाते हुए आ रही है, तो मुझे लगा कि यहाँ रेडियो चल रहा है, पर नहीं ये वाली गाड़ी थी, कहाँ गई आए कहीं रुक गई। अरे ये बोल बोल के आ रही है, गाना भी गा रही है, कुछ है शायद। चटन अपन वो एंड तक चलते हैं, वो एंड तक चलो है ना, हम लोग वो एंड तक जाएंगे, चलो वॉकिंग भी हो जाएगा, मस्त वॉकिंग हो जाएगा, मौसम भी अच्छा है, मौसम भी अच्छा, वॉकिंग भी हो जाएगा अच्छा खासा। देखते उस एंड तक कहाँ तक जाता है, ये बोर्ड पलटा नहीं है, ये देखो रस्सी से ऐसे बांधे हुए हैं, हाँ बांध के रखे हुए हैं, बहुत तेज हवा चल रहा है थोड़ा सा। वो वहाँ पे जब गए थे लोनावला में टाइगर पॉइंट, वहाँ तो ऐसा लग रहा था कि हमें उड़ा देगा वहाँ का हवा, तो होने के बाद मैं पहली बार उतना हवा झेली हूँ, मतलब बहुत तेज हवा था। तो अमन बोलता है ना बारिश होती है ना तो वो पूरा पानी हवा से अपने तरफ आता है, जब वो पहाड़ की तरफ जाओ तो पहाड़ वाला जो खाई वाला एरिया नहीं है वहाँ पे खड़े रहो तो जैसे बारिश होती है, तो इतना तेज हवा आता है ना, पर उसका वो जो पूरा छीटा अपने ऊपर आता है, बारिश भी हो रहा है और उसके ऊपर से वो हवा फेंकता है पानी। चलते है ना अभी घर चलते हैं। अरे वो देखो चटन कोई आ रहा है ना बोट से, बोट है कि क्या, ऐसा लग रहा है टोकनी में बैठा है ना, टोकनी वाली ट्यूब चप्पू मार रहा है ना, मेरे को लग रहा है ये जा रहा है, ये टापू में जा रहा है, टापू ये वाले टापू, टापू में जा रहा है, टापू में मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है देखते हैं ना, प्रति दो मिनट रुक के देखते हैं कि ये देखो टापू तक पहुँच गया है ना, एक पहला सा छोटा सा टापू अंडमान निकोबार का, एक छोटा सा उसमें पहुँच गया, एक छोटा सा आइलैंड में गया, वो मेन आइलैंड में उतरेगा वो छोटे टापू में, मछली पकड़ने वाले, हाँ वही मछली पकड़ने वाला है, पर एकदम छोटे टापू में होता है, सोचे थोड़ा बड़े टापू में जाएगा, वहाँ रुक गया है, तो मेरे को लग रहा है वहाँ पे जाल बिछाया होगा है ना, बांध बांध रहा है, कुछ बांध बांध रहा है, मछली पकड़ रहा है, अपने को भी जाना चाहिए ना वहाँ तक है, बोट में ऐसे करके यहाँ तक जाते, ये टापू में जाते, टापू में देखो या कुछ है, चले अब चलो चलो है ना, चलते हैं। गाड़ी कहाँ खड़ी है ये देखिए, हमने गाड़ी कहाँ, ये देखिए यहाँ गाड़ी खड़ी है हमारी, ये देखिए अभी ये कहाँ जा रहा है, ये अभी इस टापू में जा रहा है, बहुत ताकत लगता है ये सब में, एक तो हवा भी चल रही है और ऊपर से एक तो छोटा सा नाव उसमें वो चप्पू चला रहा है, ऐसे मछली पकड़ रहा है, मछली पकड़ के क्या करते है ये डैम के उस तरफ, ये डैम के उस तरफ सुबह सुबह मछली बेचते है और फ्राई करके बेचते हैं सुबह सुबह है ना, ऐसे बोले ना एकदम फ्रेश मछली रहेगा, हाँ फ्राई करके देते हैं, फ्राई करके देते हैं ना, यहाँ चलो अब नीचे चलते हैं। चला जाए, चलते हैं अब, चलते हैं चाय या कॉफी पियेंगे, घर जाके पियेंगे, कहीं बाहर जाके अब कुछ नहीं, तो दिखाएंगे हमारे नासिक का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस, यहाँ से टर्न लेके यहाँ पे कहीं तो फिश मिलता है, बारिश ज्यादा हो तो पूरा खोल देते हैं ये, हाँ ये पूरा खोल देते हैं गेट, पूरा खोल देते हैं, पिछले बार जब हम लोग आए थे तो चार पांच गेट खोले थे, अभी तो पानी ही नहीं है, बारिश ठीक से हो नहीं रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे मछली मिलता है, पर अभी हम लोग मछली नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वादा चे मोर, इसलिए हम लोग अभी बस मछली कहाँ पे मिलता है वो देखने जा रहे, रोड भी एकदम सुपर डुपर एकदम जबरदस्त रोड, उबड़म खबड़म रोड है, यहाँ कहीं मिलता है, यहाँ पे फ्राई करके लोग देते हैं, उधर कहीं देते हैं, ये देखिए उतरना है बस चले, नहीं नहीं उतरना नहीं है बस चलते हैं, रोड भी एकदम आगे का एकदम मस्त मस्त है,
तो इसलिए इसको रिवर्स किया जाए और चलते हैं। और रोड यहाँ से अच्छा नहीं है तो चलते हैं वापस। एक और डैम है ना, यहीं से आगे जाना रहता है क्या? जो दूसरा जो डैम है वो बड़ा जो डैम है, पुल, पुल के आगे रोड, ठीक है? हाँ, यहाँ घर तक सही है। पूरा पानी भर जाता है, पानी भर जाता है। अभी तो बारिश ही नहीं हो रही है, ढंग से बारिश हो जाता तो ठीक रहता। सूखा सूखा मौसम तो एकदम ऐसे ही कि अभी बारिश एकदम झमाझम बारिश गिरेगा और एकदम पूरा ये कर देगा, हमेशा रहता है ऐसी दिखता है, पर सूखा 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 सूखा। My name is चिट्टी 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 चिट्टी, वैसे सूखा सूखा सूखा। ये छोटा सा दुकान है, अच्छा लगता है ना गांव में छोटे छोटे दुकान। यहाँ भी है कुछ कुछ है, यहाँ पे चाय भी मिलेगा, लोग बैठे भी हैं चाय भी पीने के लिए बैठे हैं यहाँ पे लोग। छोटा सा मंदिर और नीम का पेड़, पूजा करने आए। मैं चलाऊं क्या अब? चला? हाँ चलाती हूँ, रुको फिर गाड़ी को रोको, अब मैं चलाती हूँ। की खेती, छोटे छोटे पौधे लगे हैं टमाटर के। चल अब मैं आराम करता हूँ। अच्छा, मैं ड्राइवर बन गई अब। अब मैं आराम से बैठता हूँ और नजारे देखता हूँ। हाँ देखो देखो नजारे देखो, खेत के बीच में घर, देखो खेत के बीच में घर कितना बढ़िया बढ़िया लग रहा है। खेत के बीच में घर, हरा भरा हरियाली, रास्ता एकदम उबड़ खबड़। हाल ऐसा है कि कैसा है बताओ, ऊंचे नीचे रास्ते और मंजिल तेरी दूर, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर भी नहीं है। राह मेरा ही रुकना जाना हो करके मजबूर। यहाँ पे बकरियाँ है, बकरियाँ प्यारी प्यारी बकरियाँ, गांव में ये सब देखने को मिलता है, भेड़ बकरियाँ। बहुत सुंदर 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 जगह है यहाँ, पूरा यह है गाय, यहाँ भी बंधी हुई है इधर भी बंधी हुई है, यह है प्रॉपर गांव का सी। उबड़म खबड़म है, उबड़म खबड़म। तो रोड पूरा भैंस। भैया जी जल्दी से क्लियर करो। निकल गए, निकल गया रोड भी एकदम उबड़ खबड़। चलो हो गया, निकल गया।